हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नीलम। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे। का वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आज भी मैं क्रिसमस ट्री बनाऊंगी कुछ नए अंदाज में। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं। कैन लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 12 इंच हो। इस तरह से आइसक्रीम शेप के कोन की शेप में उसे फोल्ड करते जाएं। ऐसा क्रिसमस ट्री मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें हम बहुत सारे ऑर्नामेंट सजा सकते हैं। टर्बो टेप की सहायता से इसे फिक्स कर ले। दोस्तों, यह क्रिसमस ट्री बनाना जितना ही आसान है उतना ही बेहद खूबसूरत है, जिसे आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। दिया कोन में फिक्स आना चाहिए, यह जांच कर लें। इस पोर्शन को कैंची से कट कर लें। देखो दोस्तों, दिया कोन में फिट हो गया है। यह है फेदर रूल जिसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कोन के निचले हिस्से पर सुई इंसर्ट करें, 3 रेड मोती डालें। जिस होल में मैंने धागे को इंसर्ट किया है उसी होल में फिर से सुई को तिरछा इंसर्ट करें, फिर से 3 मोती डालें, उसी होल से सुई को तिरछा इंसर्ट करें। दोस्तों, इसे बनाते वक्त दोनों होल के बीच में गैप का ध्यान रखना कि वो बराबर हो। दोस्तों, सुई को ऊपर की ओर तिरछा यूज करने से हमें इस टाइप का परफेक्ट शेप मिलता है। धागे को नीचे की ओर बीच बीच में सेट करते जाएं। धागा खत्म हो जाने पर इस तरह से ज्वाइन करें। क्रिसमस ट्री बनाते वक्त धागे की लंबाई इतनी रखनी है जिससे कैनकेन दिखे ना। तो ग्रीन कलर कर लेते हैं जिससे कैनकेन हाईलाइट ना हो। दोस्तों, यह है चौड़ी लेस जिसका मैं यहाँ पर यूज करूंगी। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहूं और मुझे भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। आपका हर एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, अगर आप यह बनाना ना चाहें तो कोई बात नहीं, आप इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं। इस आइडिया को ऐड करके आप इससे भी अच्छा क्राफ्ट बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा रेड कलर का यूज कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा वार्निश लूंगी, उसमें थोड़ा सा ग्रीन चमकी ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे अप्लाई कर लूंगी। इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जो ऑर्नामेंट्स बनाए हैं उसे ग्लू की सहायता से एक एक करके चिपकाते जाएं। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं लकड़ी का छिलका भी ले रही हूँ जिसमें ऑलरेडी मैंने वार्निश कर दी है। तो ये है जूड़ा पिन। ऑर्नामेंट लगाकर उसे कैन में अच्छी तरह से फिक्स कर लें। दोस्तों, ये है चक्रफूल जिसे आपने मसालों में देखा होगा, इसमें मैंने वार्निश लगाया है। थोड़ा सा बाइंडर लें, उसमें थोड़ा सा गोल्डन चमकी डालें, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें स्टिक के चारों ओर अप्लाई कर लें। तो यह है बैटरी वाली लाइट जो कि बाजार में आसानी से मिल जाती है। क्रिसमस ट्री को इस तरह से ऊपर से रखें, लाइट को ट्री के चारों ओर रोल करते जाएं। देखो दोस्तों, बेहद खूबसूरत क्रिसमस ट्री बनके तैयार है। अंधेरे में कुछ इस तरह से दिखता है। कमेंट जरूर करें कि आपको यह कैसा लगा।